Hey guys, please subscribe Netchill and Musafir. Don't forget. Hey guys, please subscribe to Musafir Vlogs. ऑलराइट तो आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इनविटेशन आया है यूट्यूब की तरफ से यूट्यूब क्रिएटर स्कैम के लिए. पिछले साल जो है मैं तुम लोग को एक बात बताऊँ, पिछले साल जो है मैं मर रहा था. मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं जो यूट्यूबर्स हैं वो लोगों को बोल रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे को लेके चलो मेरे को लेके चलो, लेकिन किसी ने नहीं लेके गया. वो अलग बात है, नहीं लेके गया, वो लोग की अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं मर रहा था यूट्यूब क्रिएटर स्कैम में जाने के लिए, ये तो है बात. तो तब मैंने सोच लिया कि अगले साल जो है मैं जाऊँगा और इनविटेशन के साथ जाऊँगा, और ये साल जो है मैं इनविटेशन के साथ जा रहा हूँ. पिछले साल मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स थे 2-3 हज़ार, तो ये साल है मेरे सब्सक्राइबर 20,000 और यूट्यूब पे क्रिएटर्स कैम्प के लिए जाने के लिए एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए. तो 10,000 जो है मेरे 2000 से लेके काफ़ी जल्दी हो गए थे, लेकिन क्रिएटर्स कैम्प तो लेट था इसलिए 20,000 हो गए मेरे अभी. तो जा रहे हैं क्रिएटर्स कैम्प. वैसे क्रिएटर्स कैम्प है 1 बजे का, तो अभी मैं श्योर नहीं वहाँ पर पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि नमाज़ वगैरह अभी रहती है पढ़ने की जुम्मा की. तो जुम्मा अगर मेरे को मिल गई टाइम पर, बैंटा का टाइमिंग नहीं मालूम मेरे को, अगर जुम्मा मेरे को टाइम पे मिल गई फिर क्रिएटर्स कैंप में क्रैक. तो वही बोल रहा था मैं वहाँ की जो जुम्मा का टाइम मेरे को मालूम नहीं है, अगर टाइम पे नमाज़ मिल गई फिर वहाँ से नमाज मस्जिद से मैं ग्रैंड है टाइम पे पहुँच गया तो ही मेरे को एंट्री मिलेंगी, वरना 1 बजे का जो है गेट खुलेगा, 2 बजे गेट बंद हो जाएगा, 2:30 बजे के बाद मैं नहीं जा सकता वहाँ पर, तो देखना पड़ेगा. और मेरी तबीयत भी ख़राब है, मेरी आवाज़ तुम लोगों को कुछ चेंज लग रही रहेगी. तो अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश करूँगा वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचने की. अब देखते हैं पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते, वो तो अपने हाथ में नहीं है. ऑलराइट, तो काफ़ी मेहनत और मशक्कत के बाद जो है एंट्री मिली है, फाइनली जो एंट्री मिल गई है. मेरे को लगा था कि आज मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, तो वो सब छोड़ो मैं आकर एटमॉस्फेयर तुम लोगों को बता देता हूँ. सबसे पहले तो वहाँ पे हमने जो रजिस्टर करवाया, यहाँ पर जो है खाने पीने का सामान है, और यहाँ पर लिखा हुआ है YTFF यूट्यूब फैनफेस्ट. अरे भाई ब्लॉगर हो, अरे बिग फैन से. ये फेमस रिंग लाइट जो यूट्यूबर्स जो है यूज़ करते हैं, एक बार मैं यूज़ करके बता देता हूँ. ज़्यादा ही ब्राइट है अब बराबर है, तो देख सकते हो उन लोग लाइट से जो काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है. ये सब तो जाने दो, वहाँ पर जाके फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं, क्योंकि वो जो है फ़ोटोज़ वगैरह के लिए. फैनफेस्ट सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सबसे मेन लाइक कर भी ना मत जाना, और सबसे मेन तो ये है भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना. Start to respond to questions, start to generate and excite people in that live chat message, and they'll be super excited to know that you're there watching with them. They would want to watch, even if they're not subscribed to your channel. So make sure that you refine your caption strategy, because captions will now show up. So itne log chala rahe hain, awesome. Please subscribe. खाने के लिए मारा मारी लेता ग्रैंड हयात स्पेशल टपरी चाय. ऑलराइट, तो ये जो है पूरा स्पेस है यहाँ पर जो पूरा क्रिएटर कैंप जो हो रहा है. अभी बाहर जो है काफ़ी गर्दी हो गई, इसलिए मैं सोचा अंदर आता हूँ और सुकून से जो है ब्लॉग करता हूँ. अभी कहीं आगे जाके बैठना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स आए, जैसे कि भुवन बाम, लीली सिंह, आशीष चंचलानी वगैरह. तो जाके बैठना पड़ेगा आगे और ध्यान से सुनना पड़ेगा. खाना वगैरह तो चलता है, लेकिन नॉलेज लेना ज़रूरी है. It's honestly because that's what I want to be around. So I want nice fans, so I feel nice. You know, Nikhil, how did you figure out that this is what you want to do? I know you started as a fitness channel. How did you figure that out? Challenges, how interesting, right? So how did you figure that out? Tell us a little bit about finding all the passion, love for filmmaking, love to talk. When I got my first paycheck, I like, हाँ भाई इसमें पैसा कमा सकते हैं. So you know, I can cut this. Mo, can we have Mo up on stage as well? Mo. This is a live example.
Really, really, really well said. And I think, like, moving on from there, right? Like, I think. कोहली से आता था पहले मैं तो डबिंग वगैरह करता था गानों को मिक्स कर देता था मतलब वो है ना रियाना नाच रही किसी देसी गाने पे मैं चली वो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था फिर उसको मतलब उस पर कॉपीराइट वगैरह आ गए थे फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया कॉपीराइट का तो पता है भाई येलो यहाँ पर हो रहा है शाम का स्नैक्स और अभी मैं घर आया हूँ Hey guys, please subscribe to मुसाफिर व्लॉग्स ऑलराइट तो सब कुछ जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और आई होप कि मैंने तुम लोगों को एंटरटेन कर पाया मतलब इतना भी एंटरटेन नहीं कर पाया मैं तुम लोगों को क्योंकि यहाँ पर मैं सीखने के लिए आया था एंटरटेनमेंट के लिए जो अलग जगह रहती है वो है फैन फेस्ट वहाँ पर भी जो मैं ट्राई करूँगा जाने का अभी इतना पक्का नहीं क्योंकि मेरे को पासिस वगैरह नहीं मिले हैं हम जिस रूम में थे वहाँ पर पासिस बट रहे थे लेकिन वहाँ पर टाइम की कमी की वजह से पासिस भी नहीं बटे और क्वेश्चन भी नहीं लिए तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी कुछ जो है सीखने के लिए मिला अच्छा लगा के और बस लाइक करो वीडियो को कमेंट करो कैसी लगी वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब करो